बिग बॉस 14 जो है इस बार लोगों का प्यार बटोरने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। तूफानी सीनियर्स को भेजा, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भेजी, जबरदस्ती का लव एंगल तैयार किया, इतना ही नहीं फालतू के झगड़े करवाए, रेड जोन को तोड़ के अब अगर मैं कहूँ तो जेल या फिर कोठरी जिसे कहा जाता है वो। लेकिन अब एक और कंटेस्टेंट की एंट्री घर के अंदर होने वाली है। कौन है ये कंटेस्टेंट, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। एक कंटेस्टेंट है स्पॉट बॉय की खबर के अनुसार, जो है आज कविता घर के अंदर चली जाएगी। जो सेलिब्रिटीज आए हैं, जो उसे जज करने के लिए आए हैं, वो आखिर में कहेंगे कि ठीक है इन्हें अंदर जाने दीजिए। सपना सप्पू ये जो है घर के अंदर जाने वाली हैं, और अगर इनके प्रोफाइल की बात करूं तो ये एक बी ग्रेड फिल्म एक्ट्रेस है, और इतना ही नहीं वो इरोटिक वेब सीरीज के लिए जानी जाती हैं और अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती हैं। सपना सप्पू ने अपना जो है फिल्म डेब्यू मिथुन चक्रवर्ती के साथ किया था 20 साल पहले, और इन 20 सालों में उन्होंने 250 फिल्मों में, अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है। अगर आप सपना का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और सेंशुअस पिक्चर से वो भरा हुआ है। और अब खबर आ रही है कि वो भी घर के अंदर अगले हफ्ते जाने वाली हैं, तो अपने आप में एक नई एंट्री। और जाकर शी गॉट मैरिड टू अ गुजरात बेस्ड बिजनेसमैन इन 2013, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गई, उनका एक 5 साल का बच्चा है, वो सिंगल मदर है, और जो है अभी उनका केस जो है डिवोर्स का कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और इन सबसे कुछ नहीं होगा, क्रिएटिवली शो को जो है अच्छा करना होगा और क्रिएटिवली शो को बेहतर बनाना होगा। जो आप लोगों को टीआरपी देते हैं राहुल रूबीना, उनको तो आप रेड जोन में बैठा कर रखते हैं। कल पूरे दिन जो है रेड जोन में राहुल वैद्य क्या नजर आया, सिर्फ निक्की के साथ जो बातचीत हुई वो नजर आया, और लास्ट में जो है वो वन लाइनर जो मार रहा था फैंटास्टिक, जब वो टास्क चल रहा था दंत मंजन वाला, जो 5 आपको टैग्स देने थे। लेकिन अब एक खबर आ रही है कि फिर से बिग बॉस को बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है कि इस शो की किसी भी तरह से टीआरपी आ जाए, और इसीलिए अब सपना की एंट्री की जा रही है, और सपना जो है अगले हफ्ते घर के अंदर जाएंगी, इस तरह की बात जो है सामने आ रही है।